आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें मोबाइल फोन पर मूवी टिकट बुक करना नहीं आता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल फोन पर मूवी का टिकट कैसे बुक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन से मूवी टिकट बुक करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको बुक माई शो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बुक माई शो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है, किस लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना होगा, या तो आप फेसबुक या गूगल के थ्रू यहाँ डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ साइन अप पर क्लिक करके एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आप SMS यूज कर सकते हैं, या आप WhatsApp पर भी OTP ले सकते हैं। चलिए हम यूज SMS पर क्लिक करके यहाँ SMS के जरिए OTP लेते हैं। OTP मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है, इसे हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। OTP डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहां पर क्रिएट हो चुका है। मूवी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन चूज करनी होगी। यहां मोर पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए आपकी लोकेशन आ जाएगी, जैसे कि फिलहाल दिल्ली NCR है। आप चेंज पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी लोकेशन डालेंगे, क्योंकि आपके सामने सिनेमा उसी लोकेशन के आएंगे जो आपने चूज की हुई है। तो यहां पर हम दिल्ली NCR चूज कर लेते हैं। ऑल कोई भी मूवी टिकट बुक करने के लिए आप यहां से मूवी चूज करेंगे, या आप यहां व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी मूवीज अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई हैं उन सब की आपको लिस्ट मिल जाएगी। जिसका भी आपको टिकट बुक करना है आपको वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हम यहां पर इस मूवी का टिकट बुक करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस मूवी का ट्रेलर यहां पर आ जाएगा, आप प्ले करके देख सकते हैं। इसको कितनी रेटिंग दी गई है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां रिव्यूज पर क्लिक करके इस मूवी के रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मूवी अच्छी है या खराब है। जैसे कि इस मूवी के रिव्यूज से पता चलता है कि ये काफी अच्छी मूवी है। बस आप नीचे आएंगे और यहाँ बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डेट चूज करेंगे, किस डेट को आप मूवी टिकट बुक करना चाहते हैं। जैसे कि हम 10th यहाँ पर चूज कर लेते हैं। आपके सामने सिनेमा की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अगर आप चाहे तो ऊपर यहाँ सिनेमा का नाम डालकर सर्च भी कर सकते हैं। सभी सिनेमा के साथ यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है कि किस सिनेमा में इसका किस टाइम शो शुरू होगा। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें बुक करना चाहते हैं, टाइम पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ टर्म्स आ जाएंगी, आप एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से आप चूज करेंगे कितनी टिकट्स आप बुक करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक बुक करना चाहते हैं। सिलेक्ट सीट्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सीट्स आ जाएगी। ये सिनेमा की स्क्रीन है जो आप ब्लू देख रहे हैं, और बाकी यहाँ पर ये जो डार्क सीट्स हैं ये बुक हैं ऑलरेडी, और जो व्हाइट सीट्स हैं ये अभी खाली है। आप यहाँ कोई भी सीट चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव है, इसका प्राइस है 180 रुपीज पर सीट, और ये नॉर्मल है, इसका प्राइस है 170 रुपीज पर सीट। अभी जैसे कि हमें यहाँ पर एक सीट बुक करनी है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से जितनी भी सीट्स आपको बुक करनी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मनपसंद की कोई भी सीट। इसके बाद यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, इसके बाद आप डन करेंगे। आपके सामने पेमेंट समरी आ जाएगी। यहाँ पर आपको 180 रुपीज का पेमेंट करना है, और प्लस आपको यहाँ 25 रुपीज इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज देना है। तो टोटल आपको यहाँ 205 रुपीज पे करने हैं। अगर आप चाहे तो कोई ऑफर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई प्रोमो कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पेमेंट मेथड चूज करेंगे, जैसे कि हम वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो वॉलेट चूज करेंगे। किस वॉलेट में क्या ऑफर दिया गया है सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि अमेजोन पे से पेमेंट करने पर 300 रुपीज का कैशबैक चल रहा है, पेपल से पेमेंट करने पर 500 रुपीज का कैशबैक, पेसैप पर 150। इसी तरीके से फ्रीचार्ज, ओला मनी, यहाँ पर काफी सारे ऑफर चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई वाउचर है तो आप यहाँ वाउचर डालेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट के काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट के और ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ मोर पेमेंट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने और भी ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ मोबाइल वॉलेट्स पर क्लिक करेंगे तो सभी वॉलेट्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ओला मनी पोस्ट पेड से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालकर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके हम पेमेंट कर देते हैं।
देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका टिकट यहाँ बुक हो जाएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पर भी टिकट की डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही आपके पास SMS भी सेंड किया जाता है और यहाँ पर भी आपके सामने टिकट आ जाता है। यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जब आप सिनेमा में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर इस QR कोड को स्कैन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूवी टिकट बुक करते ही आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। आप यहाँ फ्री रिवॉर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हम स्क्रैच कर लेते हैं। एक क्रेडिट की वैल्यू 1 रुपया है, मतलब हमें यहाँ पर 20 रुपये दे दिए गए हैं जो हम नेक्स्ट टाइम मूवी टिकट बुक करने में यूज कर सकते हैं। बाद में कभी भी अपना टिकट देखने के लिए आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ परचेज हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टिकट आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास एक SMS भी आ जाता है जिसमें मूवी का नाम, डेट और टाइमिंग और साथ ही स्क्रीन भी दी गई होती है। अब बात करते हैं कि टिकट बुक करने के बाद उसको कैंसिल कैसे करते हैं। इसके लिए आप मोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ परचेज हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। जो भी टिकट आपने बुक किया है, अगर आपका सिनेमा अलाउ करता है उसको कैंसिल करने का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आपको कैंसिल का एक बटन दे दिया जाएगा। जैसे कि जहाँ पर हमने ये टिकट बुक किया है वहाँ पर कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन भी नहीं है। कैंसिल करने पर आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है और बाकी के पैसे आपके उसी पेमेंट मेथड में रिफंड कर दिए जाते हैं जिससे आपने पेमेंट किया था। चलिए हम देखते हैं कि हमें कैशबैक मिला है या नहीं। यहाँ पर हमने ओला मनी से पेमेंट किया था जिसमें 20% का कैशबैक चल रहा है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कैशबैक। इसके लिए यहाँ ट्रांजेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए 205 रुपीज का हमने पेमेंट किया है बुक माई शो पर और हमें 41 रुपीज का कैशबैक यहाँ पर दे दिया गया है। मोबाइल से मूवी टिकट बुक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप पेटीएम से बुक कर सकते हैं। यहाँ मूवी टिकट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लोकेशन आप चूज करेंगे, आपके सामने सभी मूवीज आ जाएगी जिसका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं। बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी सिनेमाज आ जाएंगे और उनके साथ टाइमिंग भी दी गई है। जैसे कि हम इस सिनेमा में 1 बजे बुक करना चाहते हैं, टाइम पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सीट्स आ जाएगी। यहाँ पर ये ब्लू स्क्रीन है और साथ ही यहाँ पर जो डार्क है ये सीट्स फुल है और जो यहाँ पर वाइट सीट्स हैं ये खाली है। आप इस तरीके से यहाँ पर जितनी सीट्स भी बुक करना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद बुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद आप पेमेंट करेंगे। आप अपने पेटीएम वॉलेट के अमाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करके यहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक बार जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका टिकट यहाँ पर बुक हो जाता है। मूवी टिकट बुक करने के बाद एंट्री पर आपको ये टिकट दिखाना है, इसको स्कैन किया जाएगा और आप आसानी के साथ एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मोबाइल फोन से मूवी का टिकट कैसे बुक किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।